नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो आप समुद्र में एक नाव पर खड़े हो, समुद्र की साफ सुहानी हवा का आनंद उठा रहे हो, तभी अचानक से आपको ये दिखाई देता है। एक भयंकर मिसाइल पानी के अंदर से बाहर निकलती है, और ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो धरती के दूसरे कोने में एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है हजारों किलोमीटर दूर। इमेजिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के दिन पॉसिबल है सबमरीन्स की वजह से। ये जो वीडियो आपने देखा, ये यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया ट्राइडेंट 2 मिसाइल का टेस्ट था, जिसे लॉन्च किया गया एक यूएस ओहायो क्लास सबमरीन से। ट्राइडेंट 2 की ये मिसाइल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी SLBMs की कैटेगरी में आती है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इन SLBMs की एस्टिमेटेड यील्ड 475 किलोटन्स है। इसे आप कंपेयर करो हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से, जिसकी यील्ड 12 से 13 किलोटन थी। आज के जमाने में ऐसे हथियारों को सबमरीन्स में रखा जाता है, और ये सबमरीन्स घूम रही है दुनिया के समुद्रों में हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट लोकेशंस पर। आज के इस वीडियो में आइए इन सबमरीन्स को गहराई से समझते हैं, क्या है इनके पीछे की टेक्नोलॉजी और ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है। दोस्तों, सभी सबमरीन्स एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे बॉयंट फोर्स कहा जाता है, और ये फोर्स उतना ही होता है जितना वजन इस फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ इस ऑब्जेक्ट के डूबने से। जब सबमरीन का खुद का वजन उतना ही होता है जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, तो सबमरीन एक न्यूट्रल बॉयंसी के लेवल पर होती है। इसका मतलब पानी में वो एक कांस्टेंट डेप्थ पर रहेगी। जब सबमरीन को पानी के अंदर डुबाना हो, तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होना चाहिए बॉयंट फोर्स से। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बैलेस्ट टैंक्स का। ये दो टैंक्स हैं जो आमतौर पर सबमरीन के दो एंड्स में लगे होते हैं। जब सबमरीन सरफेस पर होती है, तो इनमें हवा भरी जाती है, जिसकी मदद से वो फ्लोट कर पाती है, और पानी के अंदर ले जाने के लिए इन्हीं बैलेस्ट टैंक्स को पानी से भरा जाता है, ताकि सबमरीन का वजन बढ़े और वो अंदर डूबने लगे। ऐसे केस में हम कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव बॉयंसी है, तो एक सबमरीन की डेप्थ यहाँ पर कंट्रोल करी जाती है बैलेस्ट टैंक्स में वाटर लेवल एडजस्ट करके। ये तो हो गई वर्टिकल मूवमेंट ऊपर नीचे जाने के लिए। अब पानी के अंदर अगर साइड में मुड़ना है, तो इसके लिए एक रडर का इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है, इसे वर्टिकल रडर कहा जाता है, और इससे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल है पानी के अंदर। एक सिमिलर रडर लगाया जाता है बोट्स, शिप्स और इवन हवाई जहाज में भी। इसके बाद आगे पीछे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेलर का, जो कि बेसिकली ये पंखा है घूमने वाला। अब पानी के अंदर घूमते हुए रास्ता ढूंढने की भी जरूरत होती है, और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सोनार टेक्नोलॉजी का। सोनार टेक्नोलॉजी साउंड पर रिलाय करती है, आवाज पर। मोटे मोटे तौर पर दो तरीके की सोनार टेक्नोलॉजीज होती है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में सबमरीन की तरफ से साउंड निकाली जाती है, और जब वो आवाज पानी के अंदर ट्रेवल करके किसी चीज से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होकर सबमरीन तक पहुंचती है, उस टाइम से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, जिससे अंदाजा लग पाता है कि सबमरीन कहां पर है, आगे क्या चीज मौजूद है। पैसिव सोनार में सबमरीन अपनी तरफ से कोई आवाज नहीं निकालती, बल्कि बाकी और एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए उनकी इंजन की साउंड, उनके प्रोपेलर की आवाज को पकड़ा जाता है, और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो एनिमी सबमरीन कितनी दूर है। इस सोनार टेक्नोलॉजी से पानी के अंदर मौजूद मरीन लाइफ, वेल्स और डॉल्फिन्स पर एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वेल्स और डॉल्फिन्स भी सोनार का इस्तेमाल करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसी के चलते कुछ सबमरीन्स में नई टेक्नोलॉजीज यूज करने की भी कोशिश करी जा रही है, जैसे कि लाइडार की टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेसिकली लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस एस्टिमेट करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी कई लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर भी आपको मिल जाएगी आज के दिन। दूसरा एक ऑप्शन है रेडार की टेक्नोलॉजी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पानी के ऊपर और एरोप्लेन्स के द्वारा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स के जरिए डिस्टेंस डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन पानी के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करता, क्योंकि रेडियो वेव्स पानी के अंदर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती। तीसरा, कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर काम चलने लग रहा है, जैसे कि MRS मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम या ग्रेविटेशनल एनोमली डिटेक्शन। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आज के दिन ज्यादातर सबमरीन सोनार की टेक्नोलॉजी पर काम करती, और इसके लिए किसी भी सबमरीन पर एक नहीं बल्कि ढेर सारे सोनार सेंसर्स लगे होते हैं उसके चारों तरफ। कंटिन्यूअसली उन सब से डेटा कलेक्ट करके मॉनिटर किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि सबमरीन के आगे कोई ऑब्स्टिकल्स या हैजर्ड्स तो नहीं है। इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चल जानी चाहिए डेटा साइंस की। चाहे स्पेस हो, धरती हो या पानी के अंदर हो,
डेटा साइंस की जरूरत ऑलमोस्ट हर फील्ड में पड़ती है, इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि डेटा साइंस आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव करियर ऑप्शंस बन चुका है। और इस डेटा साइंस की फील्ड में अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो scalar.com एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जो कि आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी है। स्केलर एक ऑनलाइन टेक लर्निंग एकेडमी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में प्रोग्राम्स ऑफर करती है। ये टॉप टेक कंपनी से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं लर्नर्स को गाइड और मेंटर करने के लिए। और अगर आप इनके थ्रू पढ़ेंगे तो आपको डेली 3 घंटे की लर्निंग मिलेगी विद एक्सेस टू ओवर 80 रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। स्केलर का दावा है कि जिन लर्नर्स ने मेहनत करके अपना कोर्स कंप्लीट किया स्केलर के साथ, उन्होंने ऑन एवरेज 126% का सैलरी हाइक देखा। और ये भी कहते हैं कि 93.5% स्केलर के लर्नर्स को प्लेस किया गया है टॉप टेक कंपनीज में, जैसे कि गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न और ज़ोमैटो। ये एक इजी ईएमआई ऑप्शन भी ऑफर करते हैं 2 साल के लिए, जिसमें 0% इंटरेस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है आपके करियर को ग्रो करने के लिए, इनकी वेबसाइट जाकर चेकआउट करिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक फ्री लाइव क्लास लेकर भी देख सकते हैं खुद ही से ही जज करने के लिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब सबमरीन के अंदर एक नजर डालते हैं, अंदर क्या कुछ मौजूद है। टिपिकली एक आम मिलिट्री सबमरीन्स में 3 लेवल्स होते हैं जिन्हें 3 डेक्स कहा जाता है। मैं इस वीडियो में मोस्टली मिलिट्री सबमरीन्स पर ही फोकस करूंगा, क्योंकि ज्यादातर सबमरीन्स आज के दिन जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो मिलिट्री सबमरीन्स है। बाकी जो रिसर्च और टूरिज्म के लिए सबमरीन्स होती है उनके डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ये टाइटन सबमरीन थी, कुछ महीने पहले फेमस हुई थी अपने हादसे की वजह से। इसको समझना है तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मिलिट्री सबमरीन्स पर आए तो सबसे ऊपर के डेक पर यूजुअली रखे होते हैं टॉर्पीडोस, जो कि है हथियार। सबसे नीचे बैटरी रूम्स होते हैं जिससे बिजली मिलती है सबमरीन को, और बीच में डीजल मशीन होती है, मोटर रूम और एक नर्व सेंटर जिसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। टिपिकली कंट्रोल रूम के ऊपर एक कॉनिंग टावर भी मिलेगा आपको। कॉनिंग टावर क्या है? ये एक सबमरीन का अटैक सेंटर है। बहुत सी इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि पेरिस्कोप्स जिसके थ्रू देखा जा सकता है आगे की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक एंटीनाज यहाँ से गुजरते हैं, आर्म्स यहाँ से गुजरती है, और यूजुअली इस कॉनिंग टावर को ही एंट्रेंस और एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को सबमरीन के अंदर जाना है और बाहर निकलना है तो यहीं से ही होता है। टॉर्पीडोज रखे जाते हैं टॉर्पीडो ट्यूब्स के अंदर, और ये बेसिकली सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल्स हैं। ऐसी सिलिंड्रिकल सी मिसाइल्स हैं जिन्हें इन सिलिंड्रिकल ट्यूब्स के अंदर रखा जा रहा है। मॉडर्न सबमरीन्स में टॉर्पीडो सबमरीन्स के आगे फ्रंट में रखे जाते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो 2017 की बॉलीवुड फिल्म गाजी अटैक जो आई थी, जिसमें सबमरीन दिखाई गई थी जहां पर टॉर्पीडोस फ्रंट में भी थे और बैक में भी थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जमाने में जो पावरफुल सबमरीन्स होती थी उनमें टॉर्पीडोस दोनों जगह लगाए जाते थे, आगे और पीछे, क्योंकि उस जमाने में टॉर्पीडो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि इन टॉर्पीडो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी एस्केप करने के लिए सबमरीन से, लेकिन एक्चुअली में इनके थ्रू एस्केप करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इन ट्यूब्स का डायमीटर सिर्फ 12.75 इंच होता है आमतौर पर लाइट टॉर्पीडोज के लिए, और बड़े जो हैवी टॉर्पीडोज होते हैं उनके लिए 21 इंच होता है। तो पहली चीज तो जगह ही इतनी कम है, दूसरा आपको एक 23 किलो का एस्केप सूट भी पहनना होता है, क्योंकि जब समुद्र के इतने नीचे मौजूद होगे, अगर ऐसे ही बाहर निकल के ऊपर तैरने की सोच रहे हो तो ये मत सोचना, क्योंकि पूरा जो पानी का प्रेशर है वही आपको कुचल देगा। इसलिए जो ऑफिसर्स एक्चुअली में इन सबमरीन्स में काम करते हैं उन्हें 6 महीने की बड़ी रिग्रेस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इंडिया का इकलौता मिलिट्री सबमरीन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है विशाखापट्टनम के शहर में, जिसका नाम है INS सतवाहना। यहाँ पे कई रेप्लिकास बनाए गए हैं टॉर्पीडो ट्यूब्स के, जहां पर हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ये इमरजेंसी एस्केप की। अब बात करते हैं पावर सोर्स की, सबमरीन्स को चलने के लिए कहाँ से एनर्जी मिलती है। ये डिपेंड करता है सबमरीन की टाइप पर। मेनली 2 टाइप्स हैं सबमरीन्स की इंडिया में, कन्वेंशनल सबमरीन्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स। कन्वेंशनल सबमरीन्स में बड़ी इलेक्ट्रिकल बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हर 2-3 दिन में रिचार्ज करना पड़ता है, जैसे कि गाड़ी की जो बैटरीज होती हैं, गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक बैटरीज लगी होती हैं, इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक डीजल इंजन की जरूरत होती है। लेकिन एक डीजल इंजन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि हवा में मौजूद है। अब आप सोचोगे कि लेकिन सबमरीन्स तो पानी के अंदर ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए जब भी सबमरीन को अपनी बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है तो इन्हें डीजल इंजन चलाने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है।
लेकिन ये प्रॉब्लम न्यूक्लियर सबमरीन्स में नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स डीजल इंजन की जगह एक न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करती हैं बिजली जनरेट करने के लिए। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स पानी के अंदर काफी हफ्तों तक रह सकती हैं, लेकिन वहां फिर लिमिटेशन आ जाती है ह्यूमन फैक्टर की वजह से। सबमरीन के अंदर जो लोग हैं उन्हें खाने की जरूरत होती है, तो जितना खाना और राशन उस सबमरीन के अंदर मौजूद है उतने ही टाइम तक वो पानी के अंदर रह सकती है। अब एक सबमरीन की बनावट को देखें तो बाहर की जो लेयर होती है सबमरीन पर वो यूजुअली रबर की होती है। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि रबर साउंड को बड़ी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब करती है। इससे होता क्या है, पानी के अंदर सबमरीन्स को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और यूजुअली कोई भी मिलिट्री यही चीज चाहेगी कि हमारी सबमरीन दुश्मनों की सबमरीन्स को ना दिख सके। तो जो भी आप फोटोज देखते हो सबमरीन्स की, बाहर की ये जो ब्लैक ब्लैक की लेयर है ये रबर की बनी है। अब रबर के अंदर जो सबमरीन की मेन बॉडी है उसे हल कहा जाता है, और टिपिकली दो टाइप के हल्स होते हैं, सिंगल हल और डबल हल। सिंगल हल सबमरीन्स में सिर्फ एक लेयर होती है मेन बॉडी की, और डबल हल सबमरीन्स में दो मेन बॉडी की लेयर्स होती हैं। इस डबल हल डिजाइन में अक्सर जो बैलेस्ट टैंक होता है वो अलग से नहीं होता, बल्कि इन दो लेयर्स के बीच में ही पानी भर दिया जाता है, तो यही बैलेस्ट टैंक की तरह एक्ट करता है। डबल हल का ऑब्वियस फायदा यह है कि एक एक्स्ट्रा लेयर है प्रोटेक्शन के लिए, अगर सबमरीन किसी चीज से टकराती है तो ज्यादा सिक्योर रहेगी। जितनी भी मॉडर्न मिलिट्री सबमरीन्स हैं वो ज्यादातर डबल हल सबमरीन्स ही होती हैं। इससे वाटर प्रेशर से बचने में भी फायदा मिलता है। टाइटन सबमरीन का हादसा याद है जिसमें सबमरीन बिल्कुल पूरी क्रश हो गई थी वाटर प्रेशर में। पानी के सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, बेसिकली 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे पानी के नीचे जाते रहते हो प्रेशर बढ़ता है, हर 10 मीटर्स डेप्थ पर प्रेशर 1 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से बढ़ता है। आमतौर पर मिलिट्री सबमरीन्स डिजाइन करी गई हैं अप टू 300 to 400 meter डेप्थ में ट्रेवल करने के लिए। कुछ सबमरीन्स पानी के अंदर 500 मीटर की गहराई पर भी ऑपरेट कर सकती है। इस डेप्थ पर प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर्स हो जाता है, यानी 50 गुना ज्यादा सरफेस से। जाहिर सी बात है बड़े मजबूत मटेरियल्स की जरूरत होगी हल्स बनाने के लिए, और सही मटेरियल का ना इस्तेमाल किया जाना कारण बन सकता है हादसे के पीछे, जैसा टाइटन सबमरीन के साथ हुआ था। तो मिलिट्री सबमरीन्स हाई क्वालिटी स्टील एलॉयज का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें स्टील मिक्स किया जाता है टाइटेनियम, कार्बन, एल्यूमिनियम और बाकी और एलिमेंट्स के साथ। एक सबमरीन को डिजाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को डिजाइन करने में टिपिकली 10 साल का समय लगता है, और न्यूक्लियर सबमरीन को मिनिमम 15 से 17 साल का समय लगता है डिजाइनिंग में सिर्फ। यही कारण है कि इंडिया में अभी भी हम अपनी सबमरीन्स को खुद से डिजाइन नहीं करते हैं, डिजाइन को आउटसोर्स किया जाता है बाकी और देशों को, जैसे कि रशिया, जर्मनी या फ्रांस के डिजाइन का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बनाने का काम सबमरीन्स को हम खुद से जरूर करते हैं। इंडिया की पहली मेड इन इंडिया सबमरीन थी INS शाल की, जिसे लॉन्च किया गया था साल 1987 में अंडर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इस सबमरीन को इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया था साल 1992 में। अब अगर आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबमरीन्स की अलग अलग कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इंडिया में टोटल में 4 क्लासेस हैं, सिंधु घोष, शिशुमार, कलवरी और अरिहंत। इनमें से पहली 3 क्लासेस कन्वेंशनल सबमरीन्स की हैं। सिंधु घोष क्लास रशियन डीजल पावर्ड EKMs हैं, शिशुमार क्लास में जर्मन SSKs हैं, और कलवरी क्लास नई फ्रेंच डिजाइंड और इंडियन बिल्ट स्कॉर्पियंस हैं। यहाँ पर EKM, SSK और स्कॉर्पियंस ये वो नाम हैं जो बाकी और देश इन सबमरीन्स को देते हैं, लेकिन हम इन सबमरीन्स के लिए इन 3 क्लासेस का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्लासेस है सबमरीन्स की, इन्हें गाड़ियों के अलग अलग मॉडल्स की तरह समझ लो। सिंधु घोष में 7 सबमरीन्स हैं, शिशुमार में 4 सबमरीन्स हैं, और कलवरी क्लास में 5 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं। इन सब के नाम और डिटेल्स आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इनके बाद आती है न्यूक्लियर सबमरीन की कैटेगरी, जिसे इंडिया ने नाम दिया है अरिहंत क्लास। और इस वक्त हमारे पास 2 एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इस क्लास में, और 2 और सबमरीन्स हैं जो बनाई जा रही हैं विशाखापट्टनम में। अरिहंत क्लास की सबमरीन्स एक बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सेल्फ गाइडेड मिसाइल है, जिस पर एक न्यूक्लियर बम भी लगाया जा सकता है। INS अरिहंत इस वक्त प्रेजेंटली आर्म्ड है K-15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से। ये एक SLBM है, जिसकी बात मैंने शुरू में करी थी वीडियो के। इसकी रेंज है 750 किलोमीटर to 1900 किलोमीटर। अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अमेरिकन नेवी की ओहायो क्लास सबमरीन्स दुनिया की सबसे पावरफुल सबमरीन्स में से है। अमेरिका के पास टोटल में 18 ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, जिनमें हर एक सबमरीन में 24 ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करी जा सकती हैं, और एक एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल में पोटेंशियली
14 न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे जा सकते हैं। इसलिए जब अमेरिका और रशिया ने कोशिश करी थी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने पास कम करेंगे, तो स्टार्ट वन एग्रीमेंट करी गई थी जिसमें कहा गया कि ये 14 की जगह इस लिमिट को कम करके 8 तक लाया जाए। स्टार्ट वन यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पहली ट्रीटी थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए। इसके अलावा यूएस नेवी के पास बाकी और क्लासेस है सबमरीन्स की, जैसे कि लॉस एंजलिस क्लास, कोलंबिया क्लास, वर्जीनिया क्लास। रशिया की बात करी जाए तो रशिया के पास सबसे ताकतवर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है येसन क्लास। इंडिया, रशिया और यूएस के अलावा कई और देश हैं जिनके पास सिमिलर सबमरीन्स मौजूद हैं, जैसे कि चाइना, यूके, फ्रांस और जर्मनी। इन सबमरीन्स के अंदर कितने लोग फिट बैठ सकते हैं ये एक्चुअली सबमरीन टू सबमरीन पर डिपेंड करता है, और एक्चुअल डेटा इन देशों ने कॉन्फिडेंशियल रखा है मिलिट्री रीजंस की वजह से, लेकिन आमतौर पर जो एस्टिमेट है वो 50 से 80 तक का है। 50 से 80 लोग एक सबमरीन के अंदर रह सकते हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन और भी बड़ी होती है, तो न्यूक्लियर सबमरीन में रफली 100 लोगों की कैपेसिटी होती है। यहाँ वीडियो में आप देख सकते हो कि कितना बड़ा साइज हो सकता है इन सबमरीन्स का, अनबिलीवेबल है। अगर आप इन सबमरीन्स को असल जिंदगी में देखना चाहते हैं तो विशाखापट्टनम जाइए, क्योंकि वहां पर है एक सबमरीन म्यूजियम। इस म्यूजियम में आप एक एक्स इंडियन नेवी सबमरीन देख सकते हैं, आईएनएस कुसुरा, जिसे कमीशन किया गया था 1969 में। इस म्यूजियम की बात करें तो इसे इनॉग्रेट किया गया था साल 2002 में बाय द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर चंद्रबाबू नायडू। लेकिन इसके अलावा अगर आपको सबमरीन के अंदर बैठने का एक्सपीरियंस चाहिए तो ये किया जा सकता है टूरिज्म सबमरीन्स या रिसर्च सबमरीन्स के द्वारा। आमतौर पर ये नॉन मिलिट्री सबमरीन्स पानी के इतना अंदर तक जाती नहीं है, वो टाइटन सबमरीन एक एक्सेप्शनल केस था। डीप सी सबमरीन्स टूरिज्म के लिए बहुत रेयर होती हैं। कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही हैं यूरोप, यूएसए और यूके में जो डाइव्स ऑफर करती हैं सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स में। एक है ये अटलांटिस कंपनी, एक है ये सीबोर्न कंपनी, जिसमें आप अलास्का जैसी जगहों पर जाकर एक्सपेडिशंस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कई सारी नई चीजें इस वीडियो से आपने सीखी होंगी। सेलर को चेकआउट करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब अगर आप टाइटन सबमरीन के हादसे की कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बड़ी ही दिल दहला देने वाली कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।